और भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर अपने इस्तीफे को लेकर वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह ना तो हेलीकॉप्टर की बात से नाराज है और ना ही किसी और बात से, वह खुद से नाराज है और जब भवानी जाग जाएंगी तो वह मान जाएंगे। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मेरी नाराजगी मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष से नहीं है, जब भवानी जग जाएंगी तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अभी कैबिनेट मंत्री नहीं हूं। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से बाढ़ आपदा को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर ही है। उदयपुर एक शांत शहर है, पिछले राज में सर तन से जुदा कर दिया था कन्हैयालाल का और अब ये कर दिया, उन्मादियों को सख्ती से नियंत्रण करना होगा। मैं तो सदस्य बहुत पहले से हूँ, सन 80 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी मैं उन सदस्यों में से हूँ और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे, काम करेंगे, मैदान में प्रयास करेंगे, एक लक्ष्य से चूके नहीं। अर्जुन ने जो निशाना बनाया था मछली की आंख पर वैसे सटीक निशाना लगे 6 सीट पर, इस बात का प्रयास किया जाएगा। आप कितने सक्रिय रहेंगे इस उपचुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूंगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, आपने देख लिया, मैं भरतपुर घूम के आया, बयाना गया, वैर गया, हिंडौन गया, करौली गया, गंगापुर गया, सवाई माधोपुर गया और भगवान न करे बाढ़ आए, किसी को नुकसान हो, जहां जहां आपदा में आएंगे लोग मैं वहां जाऊंगा। नहीं, हेलीकॉप्टर वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी मैं रखता नहीं, हेलीकॉप्टर में घूमने का आदि नहीं हूं, मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, सड़क पर घूमता रहता हूं। और SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किरोड़ीलाल मीणा ने रिएक्शन दिया। किरोड़ीलाल ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर को लेकर फैसला दिया है उसका सम्मान होना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। भारत बंद के आह्वान पर किरोड़ीलाल ने कहा कि भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, इसमें भारत बंद की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस देश में हिंसा फैलाना चाहती है, जो आरक्षण से वंचित हैं उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रिमिनल लेयर पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी प्रकार का क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग ST SC को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने भारत बंद आंदोलन का समर्थन किया है और सैकड़ों युवाओं के साथ कल इस आंदोलन में शामिल होंगे। विनोद जाखड़ ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने की अपील भी की है। विनोद जाखड़ ने बताया कि SC ST वर्गीकरण के खिलाफ देश भर में आवाज उठाने का समय है, हम सभी समानता और न्याय की मांग के साथ इस भारत बंद का समर्थन करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद जाखड़, प्रदेश अध्यक्ष NSUI राजस्थान। साथियों, SC ST आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ में कल भारत बंद का आह्वान किया गया है, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाएं, किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता ना करें, कानून के दायरे में रह के हमें इस आंदोलन को सफल बनाना है और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा, आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। भारत बंद के चलते कल भरतपुर और डीग जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। 21 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी। कलेक्टर अमित यादव ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा की अनुशंसा पर सुभाष मेवाड़ा को सुमेरपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाली के सोजत से खबर सामने आ रही है। सोजत के नेशनल हाईवे 162 पर डोडा पोत से भरी कार के एक्सीडेंट का मामला, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। 202 किलो 650 ग्राम अवैध डोडा पोत समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पाली के सुमेरपुर में पुलिस ने 3 दिन पूर्व एक वृद्ध की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा किया। वृद्ध के पास प्रॉपर्टी बेचने से आई लाखों रुपए की रकम देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। आरोपियों ने हत्या को दुर्घटना का रूप देने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए सघनता से जांच पड़ताल शुरू की और आखिर मामला हत्या का सामने आने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक भूपेंद्र सिंह शेखावत व थाना अधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि मंडी व्यापारी सुमेरपुर जैन मंदिर गली निवासी धनराज जैन ने गत दिनों सुमेरपुर में प्रॉपर्टी बेची, जिसकी नकद राशि धनराज के पास थी। इसकी जानकारी उसके नौकर कोरटा निवासी जितेंद्र सिंह को थी। उसने राकेश कुमार मेघवाल के साथ मिलकर हत्या कर दी। दिनांक 16 अगस्त की शाम को सूचना मिली थी सुमेरपुर में धनराज जैन, जिनकी उम्र 80 साल है, अपने घर में वो मृत अवस्था में पाए गए थे। इस सूचना पर मौके पर जाकर के देखा गया, सीओ साहब भी मौके पर पधारे। तो अगले दिन इनके पुत्रों के द्वारा रिपोर्ट दी जाने पर मर्ग दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई थी। आज जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें खुलासा हुआ कि इनके शरीर पर कई अंदरूनी चोटें थी और मारपीट के कारण इनकी डेथ हुई है। हत्या का मामला होने के कारण आज इसमें हत्या की धाराएं ऐड की गई। मर्ग दर्ज होने के साथ ही समानांतर तफ्तीश जारी थी। इसमें डीडवाना जिले में लगातार बढ़ती डंपर चोरियों की वारदात के बाद अब पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। पुलिस ने लगभग 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तब जाकर पुलिस वाहन चोरी की वारदातों को करने वाली मेवात गैंग के एक और शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। लोगों में लगातार हो रही चोरियों को बाद से काफी रोष है, जिसे देखते हुए पुलिस ने कदम उठाया है। खबर अब चूरू से बता देते हैं, जहां ट्रेनी नर्स से छेड़छाड़ और जहर खुरानी का मामला सामने आया। आरोपी सुभाष सिहाग पुलिस गिरफ्त में, आरोपी नर्सिंग ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। ट्रेनी नर्स को टीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां ट्रेनी नर्स का इलाज चल रहा है। इंटर्नशिप बच्ची के साथ सुभाष चंद्र सिहाग सन ऑफ इंद्र चंद्र निवासी राजपुरा, जो वहीं पे नर्सिंग स्टाफ था, इसके द्वारा छेड़छाड़ व परेशान करने की घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज सुभाष चंद्र को गिरफ्तार किया गया है। सुभाष चंद्र से इस बारे में गहनता से अनुसंधान किया गया है। और बांसवाड़ा पुलिस का बड़ा खुलासा, विधायक की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में बड़ी सफलता मिली है। विधायक जयकृष्ण पटेल की गाड़ी पर पथराव हुआ था, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार विधायक के गांव के पुलिस अधीक्षक हर्ष वर्धन अग्रवाल के नेतृत्व में खुलासा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विधायक जयकृष्ण पटेल की गाड़ी पर पथराव हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। और खबर अब बीकानेर के खाजूवाला से बता देते हैं। आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई। लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। 19 केएलटी निवासी भगवान राम नायक की हत्या हुई है। हत्या की सूचना पर दंतोर एसएचओ जेठाराम टीम के साथ पहुंचे। खाजूवाला सीओ विनोद कुमार के साथ एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल आपसी रंजिश के चलते मर्डर का मामला सामने आया है। दंतोर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मर्डर के मामले में जांच पर जुटी है दंतोर पुलिस। दंतोर थाना क्षेत्र के 17 केएलडी की पूरी घटना है।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा की अनुशंसा पर सुभाष मेवाड़ा को सुमेरपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। मेवाड़ा के अध्यक्ष मनोनीत होने पर सुमेरपुर नगर व पूरे ब्लॉक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमेर सिंह राजपुरोहित करण सिंह मेडतिया यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ललित परिहार अरुण जयना महेश परिहार पूर्व उप प्रधान नाहर सिंह जाखोड़ा इंद्रजीत सिंह बालिया हंसराज लोहार बरकत अली जफर सिलावट संजय अग्रवाल पार्षद खूबचंद खत्री मंजू मेवाड़ा सरदार खान भरत बोराड़ा गोविंद राठौर पूर्व पार्षद महबूब खान समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने आज सुमेरपुर नगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष पद हेतु मुझे जो नियुक्ति प्रदान की है उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं और साथ ही मैं विश्वास दिलाता हूं कि सुमेरपुर कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने के लिए हर वर्ग के लोगों को छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा। और झुंझुनू के मंडावा रोड स्थित जिला जेल में बंदियों को मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खुली जेल में सजा काट रहे बंदियों के लिए पेट्रोल पंप खोला जा रहा है। पेट्रोल पंप खोलने का प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है और खुली जेल में इसके लिए जमीन का आवंटन भी किया गया है। पेट्रोल पंप खुल जाने के बाद यहीं पर बंदियों को रोजगार मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि पंप करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा। क्या है कि राजस्थान में अब सबसे पहले जयपुर जेल पे पेट्रोल पंप स्थापित हुआ है, उसमें सुपरविजन होता है जेल स्टाफ का और उसमें जो वर्कर होते हैं वो बंदी होते हैं। बंदी हमारे खुली जेल के बंदी होते हैं। यहाँ भी अपने खुली जेल है, उसमें अभी वर्तमान में 13 बंदी है और यहाँ भी जगह चिन्हित की गई है। जगह चिन्हित होकर अभी वो प्रोसेस में है तो यहाँ भी पेट्रोल पंप बढ़ेगा। तो यहाँ जो बंदी है वो अगर इस मामले में थोड़ा सा एक्सपर्ट है या उनको ट्रेनिंग देके उन्हीं बंदियों को यहाँ पे काम में लगाया जाएगा। अब उनको रोजगार की बड़ी दिक्कत होती है कि वो एक तो बाहर जाते हैं, बाहर उनको बंदी होने का मजदूरी का फायदा उठाते हैं लोग, कम मजदूरी देते हैं और यहाँ पेट्रोल पंप होगा तो वो ईमानदारी से भी काम करेंगे और पेट्रोल भी शुद्ध देंगे। और अब खबर भरतपुर के बयाना से बता देते हैं। पैसेंजर ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक की मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। सूचना पर जीआरपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगरा कोटा पैसेंजर से पहुंचाया बयाना रेलवे स्टेशन। और खबर कोटपुतली के बानसूर से है, जहां गांव बासना के सुरेश कुमार जाट ने गुरु शिखर हाफ मैराथन दौड़ ये इंटरनेशनल मैराथन दौड़ प्रतियोगिता सिरोही जिले के माउंट आबू में आयोजित की गई। साथ ही बता दें कि प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू सिरोही की ओर से 6वीं दादी प्रकाशमणि माउंट आबू इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आयोजन 18 अगस्त को किया गया था, जिसमें भारत अमेरिका इथोपिया केन्या जर्मन सहित 3,000 से ज्यादा धावकों ने मैराथन में भाग लिया। डीडवाना के मौलासर में महिला के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल का मामला सामने आया है। ब्लैकमेल करने के आरोपी हीरालाल मेघवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हीरालाल पेंटर ने पीड़िता पति की जान पहचान का फायदा उठाकर अश्लील वीडियो और फोटो खींच लिए थे और डरा धमकाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अपनी गाड़ी में ले जाकर बलात्कार किया। करौली की लांगरा थाना पुलिस ने स्मैक की सप्लाई करने वाले एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पुलिस ने 6.58 ग्राम स्मैक, एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। अलवर में किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कई वर्षों के बाद झील पर हल्की चादर दिख रही है। लंबे समय के बाद सिलीसेड झील की भराव क्षमता पूर्ण हुई है, जिससे लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दौसा की
दौसा की बेजूपाड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई, थाने के हेड कांस्टेबल पूरण सिंह के साथ हमला कर मारपीट की गई। ट्रांसफर की धमकी देने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दो आरोपियों को पुलिस ने 9 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपियों को थाना पुलिस टीम और टीएसटी टीम दौसा ने बस्सी के पास से गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ के कोतवाली थाना इलाके में आने वाली एकलिंगपुरी कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। परिवार के सदस्य भीलवाड़ा राखी मनाने हुए गए हुए थे। सुना मकान देखकर चोर यहां से नकदी और आभूषण चोरी करके गए। परिवार के सदस्य लौटे तो घर के ताले टूटे और सामान बिखरा हुआ देखा गया। मामले की शिकायत कोतवाली थाना पुलिस को दे दी गई। इस पर पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी। अलवर के खेडली में कृषि उपज मंडी यार्ड में बॉल से खेल रहे एक बालक के ऊपर ट्रैक्टर का डाला गिर गया, जिस वजह से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे खेडली के उप जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, लेकिन सर में गंभीर चोट होने के कारण चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद मोहित को हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। जयपुर के आमेर स्थित अंबिकेश्वर का प्राचीन मंदिर, जहां महादेव शिवलिंग के रूप में नहीं शिला रूप में विराजमान है। जयपुर में बारिश के चलते मंदिर जलमग्न हो गया। शिव मंदिर की जलहरी भूतल से करीब 20 फीट गहरी है। मंदिर की जलहरी भूतल से करीब 22 फीट गहरी है, जिसका जल गर्भगृह के पास ही स्थित पन्ना मीणा कुंड में जाता है। बारिश में भूगर्भ का जल ऊपर आ जाता है और मूल शिवलिंग जलमग्न रहता है। देखिए 11 साल बाद जो है आमेर में स्थित अंबिकेश्वर महादेव मंदिर में फिर से जल आया है। और अंबिकेश्वर महादेव जो है इतिहास में काफी पुराना मंदिर है। अंबिकेश्वर के ही नाम से इस कस्बे का जो नाम है वो आमेर रखा गया। ऐसा बताते हैं भगवान कृष्ण का भी यहाँ जड़ूला हुआ था और भगवान कृष्ण यहाँ पधारे थे। ये जो क्षेत्र था अंबिकावन कहलाता था। द्वापर के अंदर में जो है, जो हम लोग बात करें भागवत की, उसके अंदर में भी जो है इस स्थान का जो है नाम देखने को मिलता है। और मंदिर में जो है अभी जो जल आया है, ये अगर हम बात करें गर्भगृह के अंदर में तो 8 फीट है, और बाहर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 5.5 फीट जो है वो पानी अभी आ गया है और पूरा मंदिर जलमग्न हो चुका है। देखिए इतिहास में अगर हम बात करें तो अंबिकेश्वर जो है अंबा के ईश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ जो मूर्ति है वो भगवान भोलेनाथ की है, जो सिर्फ एक नंदी जी के साथ में यहाँ विराजमान है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है और अम्बरीश राजा हुआ करते थे, उनके समय का मंदिर बताया जाता है। तो इतिहास में जो है काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस है। और अगर जयपुर राज परिवार की बात करें तो उनकी कुलदेवता के रूप में भी माना जाता है अंबिकेश्वर महादेव जो है, कि उन्होंने अंबिकावन में तप किया था। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि आज जो अरावली पर्वतमालाएँ हैं, आपको पता होगा, इतना तो ज्ञान होगा कि अरावली पर्वतमालाएँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाएँ हैं। तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे भी ऋषि मुनि वगैरह ये विचरण कर रहते हों। हरिओम। अब जब यहाँ मंदिर में काफ़ी जल आ चुका है तो पूजा पाठ किस तरह से होती है? देखो, पूजा जल को शिव माना जा रहा है इस समय। जल तेरा तुझको अर्पण, तो जल लेते हैं बाबा के जल में ही, जल को समा के और उनको भेंट हो जाती है, जल अभिषेक हो जाता है। लेकिन जो ये गणेश जी वगैरह यहाँ देख रहे हैं, ये एक्चुअली में बाबा के समीप होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जल स्तर बढ़ता जाता है, हम इन गणेश जी को, नंदी जी को ऊपर की तरफ लेते आते हैं।